अच्छा, इसकी स्टाइलिंग करने के लिए जो है ना, जैसा कि आपको पता है, रिएक्ट के अंदर किसी भी ऐप की स्टाइलिंग करने के लिए आपको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप इसको जो है ना किस तरह से स्टाइल करते हैं, ठीक है। लेकिन आप सब लोगों ने टेलविंड पढ़ा हुआ है, टेलविंड नहीं पढ़ा हुआ? चलो टेलविंड मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। वैसे मेरा ख्याल है कि जो है ना रिएक्ट एक क्लास के नामों को चेंज कर देता है। रिएक्ट जो है ना क्लास का नाम चेंज कर देता है। अच्छा, शायद अगर वो डेवलपमेंट में कर भी रहा है तो प्रोडक्शन में तो उसको एटलीस्ट ये नहीं करना चाहिए। प्रोडक्शन में नहीं करना चाहिए उसको एटलीस्ट ये, क्योंकि देखो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना, अब यहाँ पे मैंने देखो ये एक्चुअली मेरी प्रोफाइल का पेज है, सही है, मेरी प्रोफाइल का पेज है एक्चुअली। तो इस प्रोफाइल के पेज से ही एक्चुअली अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टाइल करना, इस अपनी ऐप को। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बैनर इमेज, बैनर प्रोफाइल, अब जाहिर है अगर ये किसी दूसरे CSS की फाइल में भी होगा तो वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर समहाउ वो CSS की फाइल लोडेड है तो, मिसाल के तौर पर इस कंपोनेंट पर जो मैं खड़ा हुआ हूँ तो कौन कौन सी CSS की फाइल है जो लोडेड है? तुम्हारी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इधर देख भी लो। index.css लोडेड है इस वक्त, app.css लोडेड है, और ये इसका अपना css जो है profile.css, ये तीन फाइलें इस वक्त लोडेड हैं। तो इन तीनों फाइल के अंदर अगर इस नाम की कोई क्लास होगी ना, बैनर इमेज नाम की, तो वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में ना ये रिएक्ट की जब आप चेक करेंगे ना इसको आगे, तो ये बैनर इमेज के नाम से नहीं होगी क्लास, ये किसी और नाम से कर देता है, सही है। बट आई एम नॉट श्योर, ये करके देख लेना तुम खुद, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि वो चेंज कर देता है। क्यों? मुझे रिसेंटली कोई बंदा कह रहा था, अभी एक वेब स्क्रैपिंग का काम था, तो कह रहा था यार ये रिएक्ट वालों की वजह से ना वेब स्क्रैपिंग ज़रा मुश्किल हो गई है, क्योंकि ये इन्होंने ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम कर दिया कि हर दफ़ा नई क्लास लेकर आता है वो, ठीक है। ख़ासतौर पर जो नेक्स्ट वाला जो अभी आया है, तो सर्वर साइड से है वो हर दफ़ा एक क्लास का नाम चेंज करता है। तो अब मैंने भी उसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन बंदे ने मुझसे ये बात कही है, ठीक है, और मतलब ऑथेंटिक बंदे ने ये बात की है ना। अच्छा, तो यार इसमें हम टेलविंड का सेटअप कर लेते हैं, सही है। टेलविंड CSS का बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, आसानी से हो जाता है, और गेट स्टार्ट का बटन दबा के ना हम इसको, सही है, टेलविंड CLI जो इंस्टॉलेशन के ना तीन ऑप्शन है, तो टेलविंड CLI कर दिया मैंने। फ्रेमवर्क गाइड क्या चीज़ है? अच्छा नहीं, फ्रेमवर्क गाइड को छोड़ो। तो सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लिया जी, ये ऐसे करके टेलविंड CSS-D, पता नहीं जो भी है, ये चलती भी ऐप को मैंने रोका। अच्छा, ये फ्रंट एंड के ऊपर हो रहा है, इसका बैक एंड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैंने इसको फ्रंट एंड के ऊपर क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। नहीं, टेलविंड CSS टोटली फ्री है, लेकिन टेलविंड UI जो है ना, वो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, और वो पेड है। लेकिन लोग उसके लिए एक्चुअली करते क्या है कि टेलविंड UI इस्तेमाल नहीं करते, लोगों ने टेलविंड के ओपन सोर्स कंपोनेंट बना बना के छोड़े हैं, तो लोग वो इस्तेमाल करते हैं असल में। टेलविंड UI जो है ना, वो बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बहुत कम से मुराद ये कि वो पेड होने की वजह से, सही है। वैसे तो जो मतलब पेड यूज़ करने वाले हैं वो तो कर रहे हैं, मतलब बाकियों को छोड़ के उसको कर रहे हैं वो। अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया, उसी फोल्डर के अंदर आके टेलविंड इनिट चला दिया, ठीक है। टेलविंड इनिट चलाते ही आप देखें, ये वेब के फोल्डर में हूँ ना इस वक्त मैं। अच्छा, ये बाकी सारे फोल्डर को मैं बंद कर देता हूँ ना, ये राउट शाउट ये सारे। तो ये मेरा अभी इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये मेरा सर्वर की फाइल है, ये मेरा फोल्डर, पूरा फोल्डर एक्चुअली सर्वर का फोल्डर है, और ये वेब जो है ना, ये मेरी रिएक्ट की ऐप है, ठीक है, नॉड मॉड्यूल वगैरह ये बिल्ड सब उसके इसके अंदर है। तो मैंने वेब के फोल्डर के अंदर आके इंस्टॉलेशन की मैंने पहले, और दूसरे नंबर पे मैंने क्या चला दिया, टेलविंड इनिट चला दिया। टेलविंड इनिट चलाने से देखो एक फाइल बन गई है ये वाली, सही है, ये वाली एक फाइल बन गई है।
यहाँ पे देखो ये चलाया मैंने npx tailwind css init created tailwind css file and config js और this ख़त्म हो गई बात यहाँ पे। ठीक है अब आ जाओ अगला स्टेप क्या करवाया इसने, फिर क्यों खुल गया, अभी तो बंद किया था इसको मैंने, इसमें मैं ओपन कर लेता हूँ यही tailwind css ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है साथ में इसको app.jsx भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा अगला स्टेप ये क्या बता रहा है भाई, अगला स्टेप ये बता रहा है कि भाई आप क्या करोगे कन्फिगर योर टेम्पलेट पाथ के जी कंटेंट के अंदर, ये कह रहा है भाई इस तरह करके आगे लगा दो आप। ठीक है कंटेंट के अंदर इस तरह करके आप ये बात लगा दो आगे। ठीक है कहाँ गया वो, गुम हो गया। अच्छा कंटेंट के अंदर भाई ये वाली बात लगा दी मैंने, सही है। अब कंटेंट में ये लगाने से क्या होगा, ये इन फाइलों को जो है ना ये कंपाइल करेगा, एक्चुअली इन फाइलों को ये कंपाइल करना शुरू करेगा। हाँ html.js नहीं है वो, हम असल में ये कह रहे हैं कि html की फ़ाइल होगी और होगी js की फ़ाइल, तो हमारे केस में मोस्ट प्रॉब्ली ये होगी jsx की फ़ाइल होगी, js कॉमा jsx भी होगा हमारा। html की फ़ाइल तो हमने बनाई नहीं है, लेकिन चलो ठीक है html को भी रहने देते हैं, html को भी हम रहने देते हैं। ठीक है हमारे केस में jsx है। अच्छा ये असल में प्लेन के हिसाब से बता रहा है, मेरे ख्याल है शायद हमें शायद जो है ना ये इस पर मूव करना चाहिए था, यहाँ पे रिएक्ट का इन्होंने कहीं बताया हुआ होगा, क्योंकि ज़रा मेक सेंस हो जाएगा ना ताकि वो रिएक्ट के हिसाब से बता देगा आपको खुद तो। किस पे ऊपर टेलविंड रिएक्ट, हाँ ये गाइड अलग से आ गई इस पर, सही है यार। हाँ यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि यार ये फाइल इसमें हो सकती है ना js jsx ts tsx, हाँ ये हो गया ना मेक सेंस हो जाएगा अब ज़रा ये। ठीक है ये आ गया भाई आपका, इसमें html का इन्होंने जिक्र नहीं किया है, तो हम एग्जैक्टली फिर यही वाला कर देते हैं, आ जाओ एग्जैक्टली फिर यही वाला कर देते हैं, हमारे केस में तो ये सब नहीं होगा ना। सॉरी वो टाइप स्क्रिप्ट में भी बच्चे आजकल बना रहे हैं ना रिएक्ट की ऐप, इंटरनेट पे आवाम जो बैठी हुई है उनकी बात कर रहा हूँ, बच्चों को ज़रा शौक है भाई टाइप स्क्रिप्ट ज़रा अच्छा सा लगता है ना बोलने में। मैं रिएक्ट वाले भी वही उन्हीं बच्चों में शामिल है ना। index.css के अंदर आगे कह रहा है कि भाई आप लगा दो ये टेलविंड बेस और टेलविंड कंपोनेंट और टेलविंड ये यूटिलिटीज़। ठीक है भाई हमने लगा दिया, उसके बाद कह रहा है कि भाई npm रन स्टार्ट करो आप। अब ये npm रन स्टार्ट क्या बकवास है यार, अच्छा वैसे ही ज़रा वो शोबाजी में उन्होंने npm रन स्टार्ट लिख दिया, वो असल में npm स्टार्ट ही है, सही है तो npm स्टार्ट ही है असल में, वो npm स्टार्ट लिख दिया मैंने। ठीक है अच्छा npm स्टार्ट पे ना अब ये css को भी कंपाइल करेगा साथ साथ, ठीक है ये css को भी। अच्छा ये नीचे हमारे पास बहुत सारी वार्निंग आई हुई है कि भाई यूज़ स्टेट लिखा हुआ है आप चला नहीं रहे उसको, ये वार्निंग हम एक दफ़ा में हटा लेंगे लास्ट ना जब हम कर लेंगे ना सारे काम अपने, नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये कि कर दें क्योंकि वो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना उससे रिसोर्सेज तो जाती है ना हमारी। अच्छा ये भाई css इसने ऐसी लगाई कि सब सीधा कर दिया। सही है तो कुछ css इसने लगा दिए हैं अभी हमारे पास, होम पे क्लिक करता हूँ मैं तो अभी ये आ जाता है, ये सर्च बार इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ आ गया। सही है h1 वगैरह को सबको इसने सीधा कर दिया बिल्कुल, ऐसे यूँ मारा बिल्कुल सीधा करके। अच्छा ये जो कुछ css लिखी हुई है मेरे index.css में इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना। हाँ नहीं पुरानी लिखी हुई, पुराना css कौन सा लिखा है हमने, हमने तो एक वर्ड भी css का लिखा ही नहीं है ना इस पूरी ऐप में, हमने इस ऐप में पूरा एक वर्ड भी css का नहीं लिखा।
ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस में जाते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है, ये भी पहले का ही लिखा हुआ है एक्चुअली, लेकिन ये मैं मेरे केस में अप्लाई नहीं हो रहा, ये अप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये अप्लाई मेरे केस में बिल्कुल भी नहीं हो, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं पेजेस में जाता हूँ, पेजेस में भी मेरे पास जो प्रोफाइल पेज है उसमें जो सी एस एस है वो खाली पड़ी हुई है बिल्कुल। ठीक है, तो एक्चुअली मैं अभी प्रोफाइल की जो सी एस एस है, प्रोफाइल कंपोनेंट की जो सी एस एस है, वो सारी मैं इसके अंदर लिखूँगा। ठीक है, इसके अंदर लिखूँगा। तो मेरी जो टोटल जो ऐप है उसमें सबसे पहले तो नेविगेशन बार है, एक्चुअली सबसे पहले क्या है, नेविगेशन बार है, जो कि यहाँ तक है, होम, प्रोफाइल, चैट, अबाउट, और ये बंदे का नाम लिखा हुआ है, और ये लॉगआउट का बटन बना हुआ है। ठीक है यार, लॉगआउट तो मैंने बटन बनाया था, ये इसको भी इसने सीधा कर दिया, बटन था यार ये, मैंने कुछ गड़बड़ की है मुझे लग रहा है इसके अंदर। बिल्कुल सीधा कर दिया इसने तो हर चीज को। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं। अच्छा भाई, टेलविंड सी एस एस लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप प्लेन सी एस एस लिख नहीं सकते। ठीक है, आप प्लेन सी एस एस बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं कहाँ चला जाता हूँ, जो सबसे पहली चीज़ है ना मेरे ऐप के अंदर, वो मैंने, चलो प्रोफाइल पेज पे तो मैं हूँ, लेकिन पहले मेरे पास नेविगेशन बार है, तो पहले मैंने इस नेविगेशन बार को सीधा करना है। ठीक है, तो नेविगेशन बार को सीधा करने के लिए मैं कौन से वाले में आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा अपने जहाँ पे नेविगेशन बार लगा हुआ है मेरे पास, जो कि ऐप डॉट जी एस एक्स है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है ये नेविगेशन बार। ठीक है, ये डिव है और इसके अंदर ये नैव के नाम से है, ये नेविगेशन बार। अच्छा, ये नैव के नाम से नेविगेशन बार है, जिसमें ये एडमिन वाला नेविगेशन बार, और नीचे यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये यार ये एडमिन का और इसका नेविगेशन बार अलग अलग है ना, वैसे अभी तो फिलहाल राउट सेम है, लेकिन मैंने वैसे अलग किया हुआ था, मैंने ये बताया था एग्जाम्पल के लिए बताया था कि अलग भी हो सकता है, कि जब एडमिन ओपन करेगा तो उसको कुछ अलग राउट्स दिख रहे होंगे जो एडमिन वाले होंगे, तो वेल चलो इसको इसी तरह रखते हैं, इसको हम इसी तरह रखते हैं। ठीक है, इसको हम इसी तरह रखते हैं और दोनों पे क्लास सेम लगा देते हैं, ताकि जो भी अप्लाई होगा वो दोनों पे सेम सेम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों पे क्लास सेम लगा देते हैं, मैं इस पर कह देता हूँ कि यार क्लास नेम नैव बार, सही है, इसको क्लास नेम मैंने बना दिया कि भाई नैव बार है ये, सही है, और इसी तरह से मैं क्लास नेम इस पे नीचे वाले पे भी लगा देता हूँ नेव बार, सही है। तो पहले तो प्लेन सी एस एस जो फ्लेक्स बॉक्स वाली है ना, उससे पहले उसको सीधा तो करें कि जी एक आइटम को इस कोने पे फेंकना है, दूसरे को इस कोने पे फेंकना है, मुझे ये करना है ना एक्चुअली। अच्छा, अब इसके अंदर ना मेरे पास एक अदर यू एल है, सही है, यू एल करके एक बटन है मेरे पास इसमें। अब अगर आप नोट करें, इसको गौर से देखें, तो यू एल के अंदर ये तीन लिंक्स तो मौजूद हैं, लेकिन मेरा जो ये बंदे का ईमेल लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस नेविगेशन बार, तो इसको मुझे उस यू एल से एटलीस्ट मुझे बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, ये बटन और ये दोनों ना, इसको मुझे इस यू एल से बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, और ना सिर्फ मुझे बाहर निकालना चाहिए, बल्कि इसको एक अलग डिव में पैक करना चाहिए, ताकि मैं उसको स्क्रीन की दूसरी साइड पर फेंक सकूँ। ठीक है, एक को तो मैंने स्क्रीन के लेफ्ट पर रखा हुआ होगा आधे पार्ट को, तो आधे पार्ट को मैं स्क्रीन के राइट पर भेजना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से इसको कर दूँगा। ठीक है, और मैं इसको ये बोल दूँगा कि यार राइट, क्लास राइट, सही, राइट साइड मैंने बता दिया कि जी आप राइट साइड पे हो। ठीक है, यही एग्जैक्टली चीज़ नीचे भी होगी इस वाले में। सही है, तो हमारे पास नेविगेशन बार में एक आइटम हो गया यू एल, और एक आइटम हो गया ये डिव। ठीक है, और यू एल के ऊपर मैं क्लास लगा देता हूँ कि जी लेफ्ट। सही है, क्लास लगा दिया मैंने लेफ्ट, इसमें ऊपर भी आके मैं क्या कर देता हूँ, यू एल पे क्लास लगा देता हूँ लेफ्ट। अच्छा, तो मैं साथ साथ ज़रा वो सी एस एस ट्रिक्स वाला वो भी ओपन कर लेता हूँ, और प्लस फिग्मा जैम के ऊपर मैं एक छोटी सी डायग्राम भी बना लेता हूँ, क्योंकि मैं जब तक ये डायग्राम नहीं बनाऊँगा, ये फ्लेक्स बॉक्स मेरी जान क्या कर देगा, अजाब में डाल देगा। मैं कहता हूँ यार मेरा पेज है, नहीं ग्रीन बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया ये, इसको ये कलर सही है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मेरे पास क्या चाहिए, मुझे अगला आइटम, मुझे अगला आइटम ये चाहिए,
अरे क्या क्या खोल देता है ये, देख लो जरा। मुझे चाहिए ये वाला रेड। तो मुझे सबसे पहले एक इस तरह का बॉक्स चाहिए ना, मुझे सबसे पहले एक इस तरह का बॉक्स चाहिए जिसको मैं एज टू एज करूँगा, जो कि मेरा नेविगेशन समझ लो यूआई के ऊपर नेविगेशन की तरह दिख रहा होगा वो एक्चुअली। अच्छा उसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा? उसके अंदर मेरे पास एक पार्ट ये होगा, सही है, और कुछ इसी तरह का पार्ट जो है वो यहाँ पे भी होगा इधर, है ना, ताकि जब मैं स्क्रीन को बड़ा करूँ या छोटा करूँ तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट पे ही रहे और राइट वाला राइट पे ही रहे, सही है। तो मुझे ये एक्चुअली करना है। अच्छा जब भी फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर आप काम करोगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह का स्केच, इस तरह की ड्राइंग फिग्मा के ऊपर नहीं, ये पेन से हाथ से बना लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास ये इस तरह का एक मैप होना चाहिए, सही है, एक आपके पास इस तरह की ड्राइंग होनी चाहिए। अगर ये ड्राइंग नहीं होगी आपसे यूआई नहीं सेट होगी फ्लैक्स बॉक्स में, कभी भी नहीं सेट होगी, ये याद रखो बात, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या है। क्योंकि देखो अभी मैंने जो इस हिसाब से मैंने अपना कंपोनेंट बनाया है, क्योंकि ये तो मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ इसलिए मुझे ज़ुबानी याद है, इसलिए मैंने बना पहले दिया, ड्राइंग बाद में की है मैंने, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मेरा मेन पेज है, उसके ऊपर ये रेड वाला जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा नैव है, ये देखो ये नैव बार है रेड वाला। तो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स क्या होगा, ये एज टू एज होगा, राइट टू लेफ्ट, ये पूरा एज टू एज 100% इसकी विड्थ होगी। अच्छा इसके अंदर मेरे पास ना दो डब्बे हैं, एक यूएल है जो जिसको मैं लेफ्ट पे रखूँगा स्क्रीन के, और एक डिव है इसको मैं स्क्रीन की राइट पे रखूँगा, सही है। तो इस तरह से मेरा ये चल रहा होगा मामला। अच्छा अब मैं ऐप डॉट सी एस एस में आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार डॉट नेव बार, और ज़रा इस पर अब मैं यूआई लगाना शुरू करता हूँ इसके ऊपर मैं। अब नेव बार को मैंने क्या बोल देना है, ये मेरा रेड वाला ना नेव बार है, नेव बार मेरा रेड वाला है। अब क्योंकि मैंने कंट्रोल जो करना है वो इसके चिल्ड्रन को करना है ना, इसके चिल्ड्रन को करना है, इसके चिल्ड्रन को करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जस्टिफाई कॉन्टेंट करूँगा, जो कि मैंने ये सी एस एस ट्रिक्स यहाँ पे जब भी गा रहा था मैं ओपन कर लेता हूँ, ये आ गया जी मेरे पास। तो मैंने एक्चुअली इस पर ना ये वाला काम करना है, स्पेस बिटवीन वाला, शायद स्पेस बिटवीन वाला। तो स्पेस बिटवीन करने के लिए मुझे क्या बोलता है, ये मुझे बोलता है कि यार आप जस्टिफाई कॉन्टेंट लगाओगे किस पे, कंटेनर पे लगाओगे आप, और आप बोलोगे कि भाई फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड वगैरह वगैरह, मैं बोलूँगा इस पर स्पेस बिटवीन। लेकिन ये लगाने के लिए उस कंटेनर के लिए ज़रूरी है कि वो फ्लैक्स कंटेनर हो, ठीक है। जिन लोगों ने वो शुरू में सी एस एस के टाइम पे फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाया था मैंने, अब अगर कुछ लोगों ने अगर वो क्लास मिस की है तो उनको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है अभी जो उस क्लास में नहीं था जब मैंने सी एस एस के टाइम पर फ्लैक्स बॉक्स का क्रैश कोर्स बताया था, एक क्लास की थी हमने फ्लैक्स बॉक्स की, कितने लोग हैं जो नहीं थे उस क्लास में, वही जो मर्ज हुई है वो लोग भी नहीं थे ना, तो बताओ कौन है वो लोग। अच्छा तुम नहीं थे, अच्छा तुम लोग बाद में मर्ज हुए, अच्छा अच्छा सही है। तो वेल भाई अगर किसी ने भी वो नहीं देखा था तो वो उसको देख लेगा जाके, ठीक है, 2 घंटे का वो है एक लेक्चर, उसको देख लोगे। तो ये फ्लैक्स बॉक्स पूरा मैंने बताया था और वो ड्राइंग ड्राइंग बना के छोटी सी यूआई बनाना ना पूरा बताया था। तो मेरा जो कंटेनर है इसको मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अच्छा मेरे कंटेनर को मैं ज़रा एक बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि वो नज़र भी आए, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, क्या रखा हुआ है मैंने इसका कलर रेड, तो रेड ही दे देता हूँ, सही है, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया मैंने। तो मेरा जो यहाँ पे अब बॉर्डर ये दिख रहा होगा ना, ये देखो ये अब नेविगेशन बार जो है ना पूरा का पूरा वो एक बॉर्डर की शक्ल में दिख रहा है। तो ये हो गया। अच्छा अब मेरे जो अंदर का जो आइटम है इसके, इसको क्या करना है, मैंने जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक आइटम इस कोने पे चला गया, एक आइटम उस कोने पे चला गया, इन दोनों को भी, नीचे वालों को भी मैं क्या दे देता हूँ, मैंने कहा डॉट नेव बार के अंदर जो लेफ्ट है, सही है, और कॉमा डॉट नेव बार के अंदर जो राइट है, हाँ डॉट होगा, यस बोल रहा डॉट हूँ और लिख रहा नहीं हूँ, हाँ बोल रहा डॉट हूँ और लिख रहा कुछ और। अच्छा इसको मैंने दे दिया कि यार इसको ना बॉर्डर इसको भी लगा देता हूँ ताकि ये भी मुझे दिखे कि कहाँ पर है ये, 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैंने क्या किया, मैं ग्रे, यहाँ पे भी इसको मैं ग्रे कर देता हूँ।
तो मुझे ये दोनों दिखने लग गया कि ये ग्रे इस तरफ हो गया, ग्रे इस तरफ हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ तक मेरा काम सेटमेंट हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अभी तक मैंने ना टेलविंड वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, मैंने टेलविंड को इंक्लूड तो ज़रूर कर लिया लेकिन मैंने अभी तक कोई चीज़ उसकी इस्तेमाल नहीं की है। अभी तक जो मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर वो प्लेन CSS लिख रहा हूँ। प्लेन CSS यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखने का मकसद मेरा ये है कि भाई अगर आपने टेलविंड CSS का इस्तेमाल किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेन CSS लिख नहीं सकते, ठीक है। जस्ट टू प्रूव दैट और जस्ट टू मेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, मैं इस वजह से प्लेन CSS थोड़ी सी लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जब ये बटन शटन बनाने की बारी आएगी ना तो मैं जल्दी जल्दी टेलविंड लगाऊंगा तो आप देखेंगे एकदम वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। ये हो गया ना, ये रिस्पॉन्सिव हो गया ना, ये छोटी स्क्रीन पे ऐसे होगा, बड़ी स्क्रीन पे ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा अब मजीद रिस्पॉन्सिव क्या है, जब बड़ी स्क्रीन हो तो नेविगेशन बार ज़रा बड़ा बड़ा हो जाए, छोटी स्क्रीन में नेविगेशन बार छोटा छोटा, उसके लिए मीडिया क्वेरी है। मीडिया क्वेरी की भी एक क्लास मैंने करवाई थी CSS के टाइम पे, जो बेसिक उसका 15 मिनट का एक्चुअली वो है पूरा टॉपिक, तो वो 15 मिनट में मैंने बता दिया था कि यार अच्छा क्या होता है कि आप CSS को कंडीशनल बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन साइज, डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन ऑफ स्क्रीन के लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में, प्रिंट वाले मॉड के अंदर कि प्रिंट के ऊपर कुछ और दिखाना है और स्क्रीन पर कुछ और, तो डिपेंडिंग ऑन सर्टन वेरिएबल्स आप अपनी CSS को कंडीशनल बना सकते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार जब मेरी स्क्रीन का साइज 600 पिक्सल या उससे कम हो तो ये CSS लगा दो, अदरवाइज एक दूसरी CSS लगा दो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, समटाइम हम CSS के ज़रिए किसी कंपोनेंट को छोटा या बड़ा कर लेते हैं, और समटाइम हम क्या करते हैं कि एक ही नेविगेशन बार हम दो दफ़ा बनाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटी स्क्रीन पे हम छोटे वाले को दिखाते हैं, बड़े वाले को हाइड कर देते हैं, और बड़ी स्क्रीन पे बड़े वाले को दिखाते हैं, छोटे वाले को हाइड कर देते हैं। तो समटाइम शो हाइड का गेम करके या समटाइम एक ही कंपोनेंट को बड़ा और छोटा हम कंडीशनल CSS के ज़रिए कर रहे होते हैं, तो मीडिया क्वेरी से वो काम होता है, ठीक हो गया जी। तो मेरा यहाँ तक का तो काम कंप्लीट हो गया। अच्छा जैसा कि हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में ये बात जानते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स सिर्फ अपने डायरेक्ट चाइल्ड को कंट्रोल कर सकता है, तो हमारे पास जो अभी ये वाला जो UL है, अब इस UL के अंदर LI और LI के अंदर फिर वो लिंक है जो उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इटसेल्फ एक बनाना पड़ेगा फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। तो मैं आके यहाँ पे बोल देता हूँ कि यार ठीक है मुझे एक्चुअली दोनों को बनाना पड़ेगा ना, इसको भी फ्लेक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके आइटम्स को भी मैंने कंट्रोल करना है। ज़रा एक दफ़ा मैं इसको इंस्पेक्शन करके देख लेता हूँ कि इसके आइटम किस तरह से है ना, ठीक है। ये मेरा फ्लेक्स बॉक्स है, और ये इसके अंदर मौजूद आइटम है, और ये लिंक है, इसके अंदर ये HRF है। तो वेल अगर मैं इस UL को क्या कर दूं, इस UL को साइड बाई साइड लाना है, तो इसका पेरेंट जो ये लेफ्ट के नाम से मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है लेफ्ट को ही मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा। मैं बोलता हूं कि यार डॉट नेव बार डॉट लेफ्ट जो है उसको आप क्या कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो आप उसको, ठीक है। तो ये सीधा हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स होने की वजह से। अच्छा और लेफ्ट वाले पे राइट वाले पे मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम मुझे पड़ सकती है इसकी भी ज़रूरत। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब ये जो होम प्रोफाइल चैट और अबाउट ने चार बटन है, इसके अंदर मैं भाई चाहता हूँ कि अब ये टेलविंड वाला बटन बनकर आ जाए, सही है। टेलविंड वाला बटन बनाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर मैं। अच्छा तो मैं इसमें आ जाता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर, और कंपोनेंट्स के अंदर आके मैं क्या बोलता हूँ, अब ये टेलविंड UI में किस खुशी में ले आया, एक मिनट यार किधर चला गया हूँ मैं इसमें कंपोनेंट्स में डायरेक्ट, अरे टेलविंड UI पे क्यों लागे फेंक रहा है मुझे ये, टेल कौन से, नहीं एक तो टेलविंड UI आ गया ना, एक टेलविंड CSS के अंदर भी मेरे पास बटन वगैरह और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मुझे बनी भी मिल रही होती हैं। टेलविंड CSS और डॉक्स में जाता हूँ मैं,
अभी इंस्टॉलेशन हो गई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, अभी क्या बता रहा है मुझे? हाँ ये आ गया ना टेलविंड सीएसएस, ये पता नहीं पहले कुछ और ही खोल दिया था इसने। और कंपोनेंट्स, अबे ये क्या सीन है, कंपोनेंट्स जब आता हूँ तो यहाँ ले आता है ये यहाँ पे भी एक जो है ना बना हुआ आ रहा होता था। वो शेडो और पता नहीं वो क्या किया वो सब आ रहा होता था यहाँ पे। वो किधर चला गया यार, किसी को पता है वो कहाँ चला गया? चेंज हुआ है क्या यहाँ से? ऐसे ही था। अच्छा बॉक्स शेडो तो यहाँ पे आ रहा है, बॉक्स शेडो तो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा तुम कौन सा बता रहे थे वो बटन? वर्जन थ्री पे? वर्जन थ्री कहाँ से आएगा? अच्छा वर्जन थ्री पे भी कंपोनेंट तो नहीं मिलेंगे ना मुझे, या मिल जाएंगे? बस ख़त्म हो गई बात, फिर नहीं मिले ना कंपोनेंट्स। ये मुझे टेलविंड यूआई पे लेकर आ जाता है। ब्राउज कंपोनेंट्स में चलो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं मटेरियल यूआई तो एक मुख्तलिफ चीज़ है ना। टेल व्लॉग्स, ये वाला नहीं? नहीं मुझे तो सिर्फ बटन शटन चाहिए छोटे छोटे बस, मुझे तो बटन वटन सिर्फ बने हुए मिल जाए बस, ये बटन मुझे चाहिए ऐसा। अच्छा सिंगल सिंगल कंपोनेंट की कैटेगरी होगी। नहीं इसका कोड कहाँ है? अच्छा व्यू कोड ये रहा, हाँ सही आ गया ना। बटन नीचे आ रहा है तो बस मैं यहाँ से जाके, मैंने जैसे ये बटन चाहिए मुझे एक्चुअली। अबे ये तो पूरा पूरा SVG इसने लगाया हुआ है, इस तरह थोड़ी होगा, ये तो पूरा पूरा SVG लगा दिया इसने। अगर मैं ये वाले पे जाता हूँ और व्यू कोड करता हूँ, बटन और बटन दो है ना, हाँ ये आ गया ना। क्या किया इसने? इनलाइन फ्लेक्स और टेक्स्ट वाइट और बटन का कलर बता दिया और ये बता दिया और VG ओवर और राउंडेड और टेक्स्ट LG सब बता दिया इसने। अबे नहीं भाई इतना, इस तरह थोड़ी है। क्लास के अंदर अगर मैं सिर्फ बटन लिखूं यहाँ पे आगे, मैं यहाँ पे आगे सिर्फ मैं ये लिख दूं इसके ऊपर कि ये बटन है, तो अच्छा इसका एक, इसकी एक एक्सटेंशन भी है टेलविंड की ना, वो भी आप इंस्टॉल करते हो ना तो ज़रा वो आपको वो दे रहा होता है, क्लासेस आपको बता रहा होता है। अच्छा ये मेरे पास इंस्टॉल हुई भी है एक्चुअली, ठीक है ये मेरे पास इंस्टॉल हुई भी है एक्चुअली, ठीक है इंस्टॉल तो हुई भी है तो मुझे सजेशन देना चाहिए इसको यहाँ पे। अगर मैं जस्ट इस बटन के ऊपर आगे लिखता हूँ कि ये, अच्छा एडमिन वाले पे नहीं, मैं एक्चुअली एडमिन वाले को बंद करता हूँ, मैं यही चीज़ फिर इस पर अप्लाई कर दूंगा बाद में। अभी तो मेरे पास जो नॉन एडमिन बंदा लॉगिन है ना इस वक्त, मेरे पास इस वक्त ये वाला बंदा लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे अगर इसके ऊपर आके क्लास नेम लिख दूँ कि ये बटन है, तो इसको ये बटन जैसा डिस्प्ले करके बता देना चाहिए। सही है, कहाँ गई मेरी ऐप? ये आ गई, लेकिन ये इसको नहीं पता लग रहा, इसको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि ये बटन है। हाँ एक्सटेंशन काम नहीं कर रही है, एक्सटेंशन कोई सजेशन ही नहीं दे रही मुझे एक्चुअली, एक्सटेंशन मुझे कोई सजेशन नहीं दे रही है। आई एम नॉट श्योर वाई, कोई सजेशन नहीं आ रही मेरे पास। अरे आ गई आ गई आ गई भाई आ गई, अबे आया भाई आया है। BTN से है, BTN लगा लेते हैं, तो बड़ी देर में ला रहा है सजेशन यार। शेडो एक आता है इसके अंदर यार, मेरे ख्याल है ये इस तरह करके तो नहीं आता। हाँ
ये सारा आ तो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें बी लिखते ही सब गायब हो जाता है क्या? हाँ, बॉर्डर वॉर्डर पता नहीं सारे आ रहे हैं इसके अंदर। बी यू लिखता हूँ और टी लिखता हूँ तो हलुसिनेशन तो नहीं हो रहा मुझे? जैसे चैट जीपीटी को नहीं होता है हलुसिनेशन होता है, जो चीज़ होती नहीं है वो उसको लग रहा होता है, मुझे लग रहा है हलुसिनेशन हो रही है, बूटस्ट्रैप आगे बीच में ग्लिच मार रहा है। ऐसा होता है ना, बंदे की याददाश्त चली जाती है तो बूटस्ट्रैप आगे ग्लिच मार रहा है बीच में। हाँ, टेलविंड से। अच्छा तो चल गया, मैं असल में देख लेते हैं एक दफ़ा और, जो ये तो यूआई पे लाके मुझे फेंक दिया इसने। असल में यूआई से भी मैं चीज़ें ले सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल यूआई से चीज़ें लेना नहीं चाहता, क्योंकि यूआई के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असल में पेड हैं। ठीक है, जैसे अगर यूआई को अगर आके मैं एक्सप्लोर करूँ और मैं एप्लीकेशन यूआई पे जाऊँ और ये बटन मेरे पास आ गया ना, एक्चुअली ये बटन आ गया मेरे पास। ठीक है, ये बटन आया हुआ है मेरे पास। अब इसका मैं कोड अगर गेट करता हूँ तो ये मुझसे एक तो पैसे मांग ले रहा है, सही है, और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसका इंस्पेक्शन करके देखता हूँ कि इस पर इन्होंने क्या लगाया हुआ है, तो इन्होंने इसके ऊपर वो पता नहीं JWFW कुछ लगाया हुआ है, कंपाइल हुआ हुआ है, तो मुझे पता ही नहीं लग रहा एक्चुअली कि वो है क्या क्लास। ठीक है, तो ये सारा भाई पैसे का चक्कर है इनका। अच्छा, ये एक टॉप वाला जो है ना, सिर्फ ये टॉप वाला एक फ्री है, इस पे भी तो बटन बना हुआ है, इस पे बटन किस तरह बनाया है इन्होंने? SVG का पाथ पूरा लगा के बनाया है भाई। अच्छा, टाइप बटन, बटन के ऊपर टाइप बटन पहले तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्लास और ये सारा आइटम सेंटर और ये सब कुछ लगा के ना, ये फिर जाके बटन तैयार होता है। ये चक्कर है भाई, ये चक्कर है सारा। आई थिंक मेरे केस में टाइप बटन मेरे पास नहीं लगा हुआ, शायद इसलिए तो नहीं मस्ती हो रही इसको। नहीं, टाइप बटन का चक्कर नहीं था। अच्छा, अब मैं इनका ये पूरा CSS उठा लेता हूँ अगर मिसाल के तौर पे। ठीक है, ये है ना पूरा का पूरा इसका ये क्लास। सही है, अब आगे देखते हैं। हाँ भाई, बटन तो मेरा तैयार हो गया, सही है। बटन मेरा तैयार हो गया। अच्छा, इस बटन का देखो चक्कर पता ही क्या है, ये जो क्लास नेम है ना, आप सोच तो आप रहे होगे ऑब्वियसली कि यार ये जो है ना, मतलब क्या सीन है। अच्छा, इन लाइन फ्लैक्स मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो फ्लैक्स बॉक्स है वो प्लेन CSS के थ्रू लगा हुआ है। ठीक है, ये मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बैकग्राउंड हो गया इंडिगो 500, बॉर्डर इसके ऊपर आ गया 0। ठीक है, और ये PY पता नहीं क्या चीज़ है, और ये PX पता नहीं क्या चीज़ है, पैडिंग Y और पैडिंग X, सही है, बेहतरीन है। अच्छा, पैडिंग X पे इसने देखो 6 पैडिंग दी हुई है। अच्छा, मैं अगर पैडिंग Y को थोड़ा मैं और कम करता हूँ, मैं 1 कर देता हूँ इसको, तो देखो वो 1 हो गया, पैडिंग 1 हो गया, सही है। अच्छा, फोकस आउटलाइन नन, जब ये बटन फोकस में हो तो उस पर कोई आउटलाइन नहीं आना चाहिए। देखो, मैं अभी टैब दबाऊंगा ना, अब ये चीज़ ना मुझे किसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई चाहिए थी एक्चुअली, ये मुझे डॉक्यूमेंट में लिखी हुई अनफॉर्चुनेटली अभी मिल रही नहीं है कहीं। ये है लिखी हुई, अबे ये लिखी हुई है, लेकिन वो बटन बना के पूरा बता देना एक चुप करके, वो नहीं बना के दिखा रहा। तुम जो बता रहे थे उसमें क्या आया था, ये टेल ब्लॉक्स ना, अब बस ये टेल ब्लॉक्स में इस तरह करके उठाना पड़ेगा यहाँ से आके ना, अब कोई पिक्चर विक्चर बनी हुई है, कोई इस तरह बना हुआ है, तो यहाँ से आके ना लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसी से हम करते हैं फिलहाल के लिए ना, आज इसी से करते हैं। ठीक है, आओ जी, नेविगेशन बार किधर है? नेविगेशन बार इसमें कहीं नहीं बनाया हुआ है इन्होंने, नेविगेशन बार अब देखो इसके अंदर नहीं मिल रहा यार, है, आओ चलो नेविगेशन बार ढूंढते हैं। ठीक है, साइनअप का पूरा ये फॉर्म बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, साइनअप का फॉर्म यहाँ से पूरा छाप देंगे हम टक करके। अच्छा, ये काइंड ऑफ एक नेविगेशन बार ही है मेरे पास ना। अच्छा, ये फ़ोन पे आ गया, ये मोबाइल पे आ गया। लिंक्स लिंक्स हैं और नीचे होगा यहाँ से, ये
फीचर्स फूटर पे आ गया ये, तो गैलरी हेडर्स ये आ गया मेरा भाई, हेडर सही है, ये हेडर आ गया। अच्छा चलो छाप देते हैं इसको हेडर को जल्दी से हम, सही है हेडर को क्या करते हैं हम जल्दी से छाप देते हैं। अच्छा तो अब यार ये पता नहीं साइड बाय साइड इसको खोलने में क्या मसला है, अब ये प्रीव्यू के साथ अगर साइड बाय साइड कोड खोल देता है यहाँ पे तो इसका क्या बिगड़ जाएगा, इन्होंने पूरा इस प्रीव्यू हटा के कोड सामने लाके रखा है, मतलब इनका भी फिर लेवल एक अलग ही है ना फिर तो। वेल इसके पास मेरे पास एक हेडर है और एक डिव है जो कि यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक आता है। अच्छा उसके बाद मेरे पास एक अदद ये एंकर टैग है जिसके जिसमें वो लोगो शोगो लगाया है। अच्छा हमारे केस में ये एंकर टैग हमने लगाया ही नहीं है, ठीक है सिरे से नहीं लगाया, तो एक काम करते हैं इसको उठाते हैं यहाँ से। अच्छा अब यार यहाँ पे नोट करो कि जो काम मैंने फ्लैक्स बॉक्स से किया है ना मैनुअली, वो काम अगर मैं इससे करता तो मैं कैसे करता, देखो कंटेनर लिख दिया, कंटेनर का मतलब क्या हो गया कि ये फ्लैक्स कंटेनर बन गया, कंटेनर का मतलब क्या हो गया कि ये फ्लैक्स कंटेनर हो गया। अच्छा एम एक्स ऑटो इसका मतलब पता नहीं क्या है, हाँ मार्जिन एक्स ऑटो देखो यार बड़ा इन्होंने ऑब्वियस किया हुआ है लेकिन जो है ना वेल डॉक्यूमेंटेड, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि वेल डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है अभी तक। अच्छा फ्लैक्स ठीक है जी, और फ्लैक्स रैप, रैप का मतलब है कि जब छोटा होगा तो एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, फ्लैक्स रैप हो गया ठीक है जी। पी फाइव का मतलब क्या हुआ, पैडिंग फाइव ठीक है, चारों साइड की पैडिंग हो गई। अच्छा फ्लैक्स कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम क्यों यार ये तो रो होना चाहिए ना, फ्लैक्स कॉलम तो टॉप टू बॉटम होता है। अच्छा नहीं नहीं अबे भाई रो, अच्छा सही मैं समझ गया। ये इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे फ्लैक्स कॉलम लिख किया हुआ है लेकिन एम डी के ऊपर ये फ्लैक्स रो किया हुआ है इन्होंने, और ये आइटम सेंटर किया हुआ है कि आइटम सारे के सारे क्या कर दिए जाए, सेंटर कर दिए जाए। अच्छा तो ये पूरा का पूरा जो ना मेरा एक क्या हो गया, ये पूरा का पूरा नेविगेशन बार ना जो मैंने मैनुअली फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई किया है वो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से अप्लाई किया हुआ है ठीक है। तो मुझे ये वाला काम फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा मैं मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ भी नहीं कर रहा फिलहाल, तो मुझे ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद मेरे पास ये है लोगो वाला पार्ट, ये भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे करने की ज़रूरत है ये वाला नेविगेशन बार। अच्छा नेविगेशन बार के ऊपर देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, मीडियम डिवाइस के ऊपर ना एम एल ऑटो किया हुआ है ठीक है, एम एल क्या मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट ठीक है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो किया हुआ है ठीक है, फ्लैक्स किया हुआ है, फ्लैक्स रैप किया हुआ है, और आइटम सेंटर और ये करके ये पूरा ना ये इस नेविगेशन बार को क्या किया हुआ है, बिल्कुल सीधा मीधा किया हुआ है ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी मैंने जो डिस्प्ले फ्लैक्स है वो किस तरह से लगाया हुआ है, मैनुअली लगाया हुआ है, तो मुझे शायद ये डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है, फ्लैक्स रैप भी लगाने की शायद ज़रूरत नहीं है, आइटम सेंटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ठीक है, जस्टिफाई सेंटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैं इस वाले पे आ जाता हूँ अब डायरेक्ट, और इसको जो है ना मैं अप्लाई करता हूँ, मैं एक एक लिंक के ऊपर इस वाले को लगा देता हूँ आगे, जिससे क्या होगा मेरा जो लिंक है वो थोड़ा सा विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी ठीक है। मैं जितने भी मेरे पास ये लिंक्स हैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं ये वाली क्लास अप्लाई करता हूँ ठीक है, मार्जिन इसके अंदर लग गया, आपस में थोड़े दूर दूर हो जाएं ताकि ये, उसके अलावा हो जब इस पर हवर होगा तो इस पर एक टेक्स्ट जो है ना इसका वो ग्रे हो जाएगा हल्का सा ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, क्या बकवास है ये क्यों नहीं लगा, अभी एडमिन तो नहीं लॉग इन है ना, ये क्यों हुआ भाई, ये क्या कर दिया इसने मेरे साथ, अच्छा इसने वो यूएल और एलआई भी तो नहीं लगाया हुआ ना जवान के बच्चे ने, यूएल और एलआई भी तो नहीं लगाया हुआ। असल में इसने जो ये बात बोली है ना कि होवर के ऊपर टेक्स्ट ग्रे होगा, ये तो डायरेक्ट उस एलिमेंट का टेक्स्ट होगा ना, तो मैंने जिसके ऊपर लगाया उस एलिमेंट पे तो कोई टेक्स्ट ही नहीं है, उस एलिमेंट पे तो कोई टेक्स्ट है ही नहीं, सही है। तो एक्चुअली मुझे ये यूएल पे नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे ये लगाना पड़ेगा इस लिंक के ऊपर,
सही है, ये इधर लगेगा, सही है, अब ये काम करेगा। इस ग्रे कलर को चेंज मार देते हैं। हाँ ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, ये वाला क्या था, इंडिगो 500, ये लगाते हैं। हाँ ये सही हो गया ना, अब थोड़ा वो हो गया, ये हो गया अबे। लेकिन अभी भी स्टिल ये क्या हुआ है, इसको कुछ बॉर्डर शॉर्डर भी लगा देता हूँ मैं, ये नज़र नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। बॉर्डर क्या सीन है, बॉर्डर क्यों नहीं दिखा रहा ये मुझे, ये इतनी देर में किस खुशी में ला रहा है सजेशन, इतनी देर में सजेशन क्यों ला रहा है ये। कंट्रोल स्पेस से भी नहीं आ रहा, नहीं ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो रही है ये, मैं बी लिखते ही कुछ हो नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। सही है, ये आ गया ना बॉर्डर, ठीक है बॉर्डर मैंने लगा दिया वन, बॉर्डर डैश वन, ये राइट लेफ्ट लेफ्ट ये हो गया। तो मैं लगाऊंगा बॉर्डर डैश वन और बॉर्डर डैश सॉलिड और बॉर्डर डैश इंडिगो 500। बॉर्डर वन नहीं होगा, बॉर्डर टू लगा देते हैं। तो ये एक के ऊपर बना हुआ आ गया, ठीक है एक पे बना हुआ आ गया ये। अब यार मुझे ऐसा बटन बनाने के लिए तो मेरे 12 बज जाएंगे इसके अंदर। यार मुझे याद पड़ रहा है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने कहीं देखा था बटन वटन बने हुए पड़े हुए थे इनकी अपनी क्लासेस के थ्रू ना, नहीं अपडेट नहीं यार वो पता नहीं, कोई शायद इसका अपना नहीं था वो, पता नहीं वो कहाँ थे यार, वो एग्जांपल बताओ ना किधर चली गई। हाँ इनपुट फील्ड एग्जांपल कहाँ है इसके अंदर, शोकेस सर्च, सर्च कहाँ है इसमें, सर्च ही नहीं है। अच्छा यहाँ है सर्च, इनपुट इनपुट ग्रुप, अबे ये टेलविंड यूआई पे लेकर आ गया, बटन अच्छा यूआई पे अलग आ रहा है और ये इधर अलग आ रहा है, बटन पिल ये आ गया, कोर कंपोनेंट फाइल इनपुट बटन्स, ये वो जगह है जो मैं ढूंढ रहा था। अब देखो ना चुप करके यहाँ पे उन्होंने बता दिया ना कभी इस तरह होगा ये। यूटिलिटी फर्स्ट फंडामेंटल, यार बस वो एक ही था और है नहीं इसके, अब आगे गायब है पता नहीं क्या सीन है। नहीं ये तो सारा यार लेआउट वाला चक्कर है, अभी तो लेआउट हम इसका अगर पढ़ने लगे ना आज तो लेआउट तो हम नहीं कवर कर पाएंगे अभी, और ये सही मौका नहीं है लेआउट को कवर करने का। लेआउट तो हमने फ्लैक्स बॉक्स कवर किया हुआ है तो ये खुद से देख लेना है इसका क्या है, इसमें वो सारा फ्लैक्स बॉक्स वाले काम ना इसके अंदर क्लासेस के ज़रिए होते हैं। आज की ज़िंदगी में जो है ना ये
मैं लास्ट टाइम एक दफ़ा इसको मैं चाह रहा हूँ ज़रा इसको स्क्रॉल कर लूँ मैं ठीक से और देख लूँ मैं, मेक श्योर कर लूँ कि कोई मसला क्या मेरे एंड से तो नहीं कोई चीज़ मिस कर दी मैंने। बैकग्राउंड कलर्स हो गया, बॉर्डर हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, हाँ फ़ोन पे आ रहा है इसी की अपनी डॉक्यूमेंट्स में। क्या URL है बताओ ज़रा, URL बताओ, अबे ऐसे ही पढ़ के बताओ ना URL। हाँ tailwindcss.com, नहीं उसका URL बताओ ना। अच्छा वर्जन 1 में आ रहा है, वर्जन 1 कर देते हैं हम, वर्जन 1.9.6 v1.tailwind.com ये वाला। अरे ये आ गया ना कंपोनेंट्स, नहीं लेकिन फिर UI वाले जाके फेंक दिया इसने। मुझे URL पूरा बताओ ना क्या लिखा हुआ है। ये आ गया देखो, चुप करके बटन दिखा दिया इसने। ये इन्होंने इस तरह बटन बना के दिखा दिया, अच्छा लगाया वही CSS है इन्होंने। अब ये चीज़ इन्होंने शायद हटा ही दी है, बिल्कुल रिमूव कर दिया अभी डॉक्यूमेंट्स में से, नए वाले में से। ये पिल बटन आ गया, ये आउटलाइन बटन आ गया, ये नीचे कार्ड्स आ गया, ये कार्ड्स आ गए। अब ये हमें पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना है ये कार्ड्स वाला आइटम जो है, ठीक है। इस तरह से हम कार्ड बना देंगे अपनी पोस्ट के ऊपर एक। अच्छा भाई ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हम ये सारा जो है ना CSS इस पे से रिमूव कर देते हैं जो हमने अभी लगाया हुआ है, ये लिंक्स के ऊपर जो हमने लगाया हुआ है ना सारा आइटम। अरे भाई क्या कर दिया मैंने इसके साथ, चलो भाई अब इनकी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए मैं क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर क्लास लगाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको बोलता हूँ BG और BG- क्या था इस पर, BG- इंडिगो डैश 500 जो मैंने ये दूसरे वाले पे लगाया ना नीचे, यही बैकग्राउंड कलर इस पर लगा देता हूँ मैं। अच्छा दूसरा क्या लगा दिया मैंने, राउंडेड। अब ये देखो ज़रा स्ट्रीमलाइन हो गई ना चीज़, मैंने राउंडेड लगा दिया जो इन्होंने लगाया हुआ, ठीक है, लिहाजा मेरा बटन कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या लगा दूंगा, जैसे इन्होंने लगाया हुआ ना टेक्स्ट का कलर वाइट लगाया हुआ है के जी, ये रहा टेक्स्ट डैश वाइट, तो मैं ऐसे टेक्स्ट डैश वाइट लगा दूंगा, टेक्स्ट डैश वाइट। अब देखो अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जा रही है ना, यही मैं ढूंढ रहा था कब से कि मुझे मिल रहा नहीं था इसकी। अच्छा ये हो गया देखो, थोड़ा स्ट्रीमलाइन होता जा रहा है। अच्छा अब उसके बाद मैं क्या दूंगा, इसको पैडिंग दूंगा मैं, ठीक है, पैडिंग Y और पैडिंग X अलग अलग दूंगा मैं आके। अब मैं इसको देता हूँ पैडिंग Y डैश, मैंने कहा 5, ठीक है, पैडिंग Y 5 हो गया, 5 हो गया। उस पर मैंने नीचे वाले पे कितना दिया हुआ उतना ही दे देता हूँ, पैडिंग Y इस पर मैंने दिया हुआ है 1, एक्चुअली 1, पैडिंग एक्स दिया हुआ मैंने इस पर 6, तो ज़रा ये लंबे लंबे से बटन बन गया, ठीक है। अच्छा अब क्या देना है, मैंने मार्जिन देना है, अब इस पर मैं मार्जिन लगा देता हूँ। मैंने कहा अभी M, R और मैंने कहा कि भाई 2, ठीक है, मार्जिन भी लग गया इसके ऊपर, दूर दूर हो गया, सही हो गया। अच्छा अब एक्चुअली क्या चीज़ है कि जो है ना मेरा जो ये लॉगआउट का बटन है इस पर भी मैं यही वाला लगा देता हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये बटन बिल्कुल वैसा ही दिखे। बट इसका जो कलर होगा ना वो मैं क्या करूँगा, वो अपोजिट करूँगा मैं, ठीक है, इसका कलर मैं क्या कर दूँगा, अपोजिट कर दूँगा, ठीक है। ये फोकस वोकस ये सब मैं हटा रहा हूँ इसके ऊपर से, ठीक है, मैंने यही वाला इसके ऊपर लगा दिया जो कि बिल्कुल क्या हो गया, सेम मुझे दिखने लग गया उस वाले साइड की तरह। लेकिन स्टिल यार ये बड़ा क्यों हो रहा है,
ठीक है, इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर है ना वो क्या करूँगा, वो मैं चेंज करूँगा, टेक्स्ट वाले को बैकग्राउंड बनाऊँगा और बैकग्राउंड वाले को मैं टेक्स्ट बनाऊँगा, बीजी को वाइट कर दूंगा और टेक्स्ट को ऐसा कर दूंगा, ठीक है, अपोजिट कर दिया मैंने इसको। अच्छा, इस पर अब आउटलाइन भी लगा देता हूँ मैं, आउटलाइन कैसे लगा दूंगा, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ इस डॉक्यूमेंट में अनफॉर्चुनेटली ये V1 में मुझे मिला जाएगा, V2 में, V3 में पता नहीं गुम हो गया कहीं। अब आउटलाइन इस तरह करके लगेगा ये, ठीक है, इसमें बीजी ट्रांसपेरेंट इसने किया हुआ है, चलो हमने बीजी वाइट किया लेकिन बीजी ट्रांसपेरेंट बीजी वाइट एक ही बात है, ठीक है, तो चलो हम भी एक काम करते हैं, बीजी को जो है ना ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। अरे भाई बस बीजी को ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने, और इसके ऊपर आउटलाइन अब मेंशन करनी है मैंने, आउटलाइन किस तरह इन्होंने लगाया हुआ है देख लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर ब्लू 500 किया हुआ है, ठीक है, बॉर्डर ब्लू 500 किया हुआ है इन्होंने, तो हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर कर देते हैं और बॉर्डर इंडिगो कर देते हैं 500, क्योंकि हमने इंडिगो यूज़ किया हुआ है, आगे देखते हैं क्या रिपोर्ट है इधर, ठीक है जी, तो हमारा बॉर्डर इंडिगो लग गया है। अच्छा, अब ये काम करने के बाद मैंने क्या करना है, अगला काम इसके ऊपर बॉर्डर शॉर्डर जो है उसको मैंने पहले तो रिमूव करना है, दूसरा ये कि अभी ये स्टिल ना चपक रहा बहुत ज़्यादा है इसके साथ ये, तो मुझे कोई ऐसी सेटिंग करनी है कि इससे ज़रा दूर दूर हो जाए, ठीक है, इससे ज़रा क्या हो जाए, दूर दूर हो जाए, तो इसके ऊपर मैं मार्जिन लगा देता हूँ, लेकिन इस बटन पर मार्जिन लगाता हूँ मैं, और इस ABC पे मैंने फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है, तो MR2 लिखा हुआ तो है मैंने, यार ये क्यों नहीं इससे दूर हट रहा है, अच्छा MR जो लेफ्ट पे अप्लाई हो रहा है, MR2 का मतलब लेफ्ट कैसे हो सकता है, अच्छा तो इस पर मतलब मैं सब पे मैंने वो लगाया हुआ है, MR मैं समझ रहा हूँ, MR जो स्टैंड्स फॉर मार्जिन है, मैंने सब पे 2-2 लगा दिया, ठीक है, ताकि दोनों साइडों पे ये 2-2 पिक्सल हो गया, अच्छा यहाँ पे अब सही अप्लाई हो गया ये, ठीक है, अब सही अप्लाई हो गया, दोनों साइड पे हो गया, अबे इस कमीने के टॉप पे क्यों नहीं लग रहा मार्जिन यार, M2 कर तो दिया मैंने इसको ऊपर वाले को भी, नहीं जब मैंने यहाँ पे भी M2 लिखा है और यहाँ पे भी M2 लिखा है तो दोनों का ये रिजल्ट अलग क्यों प्रोड्यूस हो रहा है मेरे पास, हाँ अच्छा, मैंने उसको फ्लैक्स बॉक्स डिक्लेयर किया हुआ है और इसको नहीं किया हुआ, ये कह रहे हो तुम, हाँ इसको मैंने फ्लैक्स बॉक्स डिक्लेयर किया हुआ है और इसको भी फ्लैक्स बॉक्स डिक्लेयर किया हुआ है, हाँ नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा, फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो फ्लैक्स बॉक्स के कंट्रोल में होता है फिर, कि उसको ऊपर करे या नीचे करे, ठीक है, वो फ्लैक्स बॉक्स के कंट्रोल में होता है, वो फिर इसके कंट्रोल में नहीं रहता, तो मैं एक्चुअली सबसे पहला काम तो ये करता हूँ कि इस फ्लैक्स बॉक्स में आके उसको बोलता हूँ भाई तू सेंटर हो जा, सही है, मेरी जो प्लेन CSS है ना दोनों का मिक्सचर मिक्स पत्ती लिख रहा हूँ ना मैं इस वक्त, तो इसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि भाई लेफ्ट वाला जो है ना वो हो जाए जस्टिफाई कंटेंट नहीं अलाइन आइटम्स हो जाए सेंटर, सही है, तो ये सेंटर हो गया, और ये वाले पे मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही सेंटर के ऊपर है, सही है, तो ये दोनों क्या हो गया मेरे स्ट्रीमलाइन हो गए, या मे भी मैं राइट वाले को भी आके बोल दूँगा यार राइट वाले पे भी आप क्या कर दो, राइट वाले पे भी आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दो ना, सही है, राइट वाले पे भी मैंने ये काम करवा दिया, तो वो स्क्रीन पे मुझे एक जैसा ही दिख रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये भी फ्लैक्स बॉक्स बन गया है। अच्छा, अब मैं अगर ये बॉर्डर हटा दूँ तो मैं अब हटा सकता हूँ बॉर्डर, ठीक है, इसका ये बॉर्डर हटा देता हूँ मैं, इसका ये बॉर्डर हटा देता हूँ, तो अब मेरे पास UI कुछ इस तरह की दिख गई है। अच्छा, UI इस तरह की दिखने के बावजूद क्या हो रहा है, ये इस तरफ वाला राइट वाला मार्जिन पता नहीं क्यों कोलैप्स कर जा रहा है, नोट कर रहे हो, मार्जिन जो राइट वाला है वो कोलैप्स कर जा रहा है उसके अंदर सही है, तो मैं यार सिंपल सा एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं थोड़ी सी इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 1 RM पैडिंग है, यानी ओवरऑल जो मेरा पूरा बॉक्स है ना उसके ऊपर मैं पैडिंग दे देता हूँ इसको, ताकि वो थोड़ा उधर से दूर हो जाए और इस तरफ से भी दूर हो जाए, सही है, तो ये मेरा नेविगेशन बार बन गया। अच्छा, पैडिंग भी मुझे राइट लेफ्ट पे देना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 0 और space 1 ऐसे करके देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ राइट लेफ्ट पे देना है, मुझे बॉटम पे और टॉप पे नहीं देना, ठीक है, बॉटम पे और टॉप पे अच्छा खासा पहले से ही इसको यहाँ पे मिला हुआ है। अच्छा, तो यार बहुत ही मुशक्क़त के बाद और बहुत ही मेहनत के बाद हमने फाइनली क्या कर लिया
टेलविंड को जो है ना लगा के उसको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश की है, बहुत ख्वार कराया इसने हमें आज। नहीं नहीं वो तो देखो असल में बात ये है कि मैं तो टेलविंड खुद यूज़ नहीं कर रहा इसको, जब प्रोफेशनली यूज़ करूँगा तो फिर ज़ाहिर है हाथ तो सेट होगा, फिर ज़ाहिर है कोई भी नई चीज़ होती है तो टाइम लगता है। लेकिन टेलविंड जो है ना अच्छा आइटम है, ठीक है, टेलविंड अच्छा आइटम है, अगर आपको इसकी क्लासेस थोड़ी याद हो जाए ना, दो चार दफ़ा करोगे तो याद हो जाती हैं, फिर मतलब सही होता है काम, मज़े से होता है, ठीक है। ख़ास तौर पर रिएक्ट वगैरह टाइप की चीज़ है ना, जैसे यार नेक्स्ट जीएस टाइप की चीज़ है, अभी नेक्स्ट जीएस का भी इंशाल्लाह हम ओवरव्यू करेंगे, वो भी मुझे नहीं आता पहले ही बता रहा हूँ, सही है, वो भी मैं पढ़ूंगा और साथ साथ पढ़ाऊंगा, डॉक्यूमेंट एक्सप्लोर करेंगे हम, फिर तो ज़ाहिर है वो तो करने से आता है फिर। हाँ जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ जैसे रिएक्ट में प्रोफेशनली अभी काम कर रहा हूँ, तो रिएक्ट में जो है वो नीटी ग्रीटी ज़ाहिर है पता लग गई है, तो उसमें ज़रा डिटेल में चीज़ें मैं बता सकता हूँ आपको। रिएक्ट नेटिव पे नहीं, रिएक्ट नेटिव आउट ऑफ डेट हो गई है, ख़त्म हो गई है। अच्छा अब ज़रा आते हैं यार प्रोफाइल के पेज पे, और प्रोफाइल के पेज के ऊपर हम ये टेलविंड बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आज की डेट में फिर ये हो नहीं पाएगा, हो तो जाएगा लेकिन आज की डेट में नहीं हो पाएगा। इसके बाद कोई क्लास होगी क्या यहाँ पे? 9 बजे होगी ना। अच्छा तो यार जल्दी से प्लेन CSS मार के ना इसको हम सीधा विदा कर देते हैं। तो हाँ अबे नहीं भाई क्या हो गया, रिएक्ट नेटिव क्यों पढ़ोगे, रिएक्ट नेटिव पढ़ने बैठे हुए हो तुम? नहीं नहीं आउट ऑफ डेट हो गई है यार वो, रिएक्ट नेटिव मतलब तुम्हें क्यों लग रहा है कि बहुत काम की चीज़ है? बहुत जॉब आ रही है उसकी भाई वो, यार वो जो जॉब आ रही है ना रिएक्ट नेटिव की, वो इसीलिए आ रही है कि लोग छोड़ गए हैं रिएक्ट नेटिव, लोग रिएक्ट नेटिव छोड़ गए हैं, जो चलता हुआ प्रोजेक्ट है पुराने वो शायद अब उसके लिए लोग बंदे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि देखो अब उसका स्कोप ख़त्म हो गया ना यार, जो काम सारे रिएक्ट नेटिव पे होते थे ना वो सारे अब PWA पे हो जाते हैं ज़्यादातर काम, तो PWA के ऊपर स्टोर पब्लिश वाली ऐप बन जाती है पूरी। अच्छा बात रह गई कि यार वो नेटिव कैपेबिलिटीज़ नहीं होती उसके अंदर, तो वो फ्लटर के ऊपर कर रहे हैं सारे बंदे, तो रिएक्ट नेटिव का स्कोप कहाँ गया बीच में, ख़त्म हो गया ना। और एक और बात मैं तुम्हें बताऊँ मज़े की, रिएक्ट नेटिव का स्कोप बिल्कुल ही ज़ीरो करने के लिए ना ये आखिरी एक कील और ठोकी है इन्होंने। असल में फ्लटर को जो इन्होंने ऑप्टिमाइज़ किया ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फ्लटर जो है ना डार्ट के ऊपर बनी हुई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो। भाई जो बंदा कॉटलिन के ऊपर एंड्रॉयड स्टूडियो पे एंड्रॉयड की नेटिव ऐप बना रहा था उसके लिए फ्लटर कुछ भी नहीं है, फ्लटर वो 2-3 घंटे की कहानी है उसके लिए, अगर उसको सही डॉक्यूमेंट मिल जाए ना कोई या सही गाइड मिल जाए, वीडियो सही मिल जाए, तो 2-3 घंटे की कहानी है उसके लिए, समझ रहे हो बात, तो इतना इजी हो गया। अब वो बच्चा जो एंड्रॉयड के ऊपर बनाता था नेटिव के ऊपर, अब वो बनाएगा फ्लटर के ऊपर और वो दोनों पे चलती है, तो अब मुझे बताओ कि रिएक्ट नेटिव कोई क्यों करवाएगा, कोई बेवकूफ़ी होगा जो रिएक्ट नेटिव पे करवाएगा, या जो बंदा iOS पे काम करता था वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और बिल्कुल सेम है, यानी फ्लटर को इन्होंने इस हिसाब से बनाया ना कि iOS वाला और एंड्रॉयड वाला जो नेटिव जो बच्चा काम कर रहा था वो यूँ सीखेगा ठक करके उसको। हाँ ना, तो जो पहले से iOS पे कर रहा है वो भी मूव कर जाएगा फ्लटर पे, और जो पहले से एंड्रॉयड कर रहा है वो भी मूव कर जाएगा फ्लटर पे। अच्छा तो अब असल तो मसला ये था ना, पहले जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि एक डेवलपर हायर करते थे ये नेटिव का, वो पैसे चार्ज करता था अच्छे खासे, फिर वो बोलता था यार मेरी ऐप तो बन गई, अब वो बोलता था यार अब iOS की भी बनानी है, वो कहता यार वो मैं थोड़ी बनाऊंगा, मेरा काम थोड़ी है, वो जाके बनवा लो आप, सही है, तो ये उस फिर अलग से एक डेवलपर हायर करना पड़ता था, फिर दोनों को एक ही चीज़ स्ट्रीमलाइन करो, जो एक्सपीरियंसेस है ना जो ऐप के अंदर, सब में बड़ा मसला तो ये होता है कि एक्सपीरियंस को सेम रखना, जैसे VS कोड है अभी मैं यहाँ पे चलाता हूँ मैक के ऊपर, आप विंडो पे चलाते हो बिल्कुल सेम होता है, कभी देखा कोई अलग चीज़ खुल गई हो मेरे पास? कभी भी नहीं होता। तो अब वो स्ट्रीमलाइन करना एक्सपीरियंस को कि एक बनी हुई ऐप है और उसको दूसरे वाले को वेरीफाई करना, और बड़ी ऐप हो तो फिर ज़िंदगी का अजाब है ये, इसको प्रोग्रामेटिकली तो कर ही नहीं सकते आप, मतलब प्रोग्रामेटिकली एक हद तक हो जाता है, फिर ह्यूमन टेस्टर बिठाने पड़ते हैं, अब ह्यूमन टेस्टर उसको बैठ के टेस्ट करेगा, वो भी भाई पता नहीं अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है, तो बस गेम उतर जाती है फिर दो प्लेटफॉर्म में बनाने में। यही वजह है कि आप देखो 90% है अपना सिर्फ एंड्रॉयड और iOS के ऊपर है, विंडोज़ का स्टोर जो है वो खाली पड़ा हुआ है, उस पर कोई ऐप ही नहीं डालता, अब भाई अब तीसरा डेवलपर कौन हायर करेगा विंडोज़ की ऐप बनाने के लिए? और भी इस तरह के और भी 2-4 आजकल स्टोर आ गए ना मार्केट में, हर किसी को आजकल शौक है कि अपना हम बनाएंगे, वो जैसे अभी वो हवावे वालों ने भी एक स्टोर लॉन्च किया हुआ है, लेकिन चलो वो तो APK ही उसमें है, तो वहाँ फिर भी कोई जहमत कर लेता है कि चलो डाल देते हैं इधर भी हम, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐप्स आपको नहीं मिलती हैं, बहुत सारी ऐप्स में वो नहीं आ रहा होता, छोटे मोटी कंपनी है ना जो बच्चों ने ऐप बनाई भी होती है इक्का दुक्का तफरी के लिए मतलब, या बिल्कुल छोटे लेवल की जो कंपनी है वो उस पर नहीं डालती है,
वो प्ले स्टोर पर डाल देती, उसके लिए बड़ी बात है। तो भाई ये मसला एक बहुत बड़ा, तो इसको इन्होंने हल कर दिया। इन्होंने बोला भाई एक ही होगा लैंग्वेज और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, जो एंड्रॉयड वाला बंदा है उसके साथ कंफर्टेबल है, आईओएस वाला भी कंफर्टेबल है। तो अब हमारा एज अ वेब डेवलपर ना, हमारे ऊपर जो बर्डन था कि मोबाइल ऐप के अंदर भी घुसना पड़ता था हमें, वो ख़त्म हो गया। अब मोबाइल ऐप से हमारा लेना देना नहीं है कोई, सही है। अच्छा, मोबाइल ऐप अगर आपने बनानी है तो PWA के ऊपर ना अच्छी खासी ऐप बन जाती है। PWA के ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है इंशाल्लाह, हम थोड़ा सा कवर करेंगे उसको। और स्टोर पे पब्लिश होने वाला APK बन जाता है उसके ऊपर, स्प्लैश स्क्रीन भी आती है, लोगो भी आता है, हर चीज़ आती है। लेकिन नेटिव कैपेबिलिटीज़ नहीं आ सकती उसके अंदर, नेटिव कैपेबिलिटी यानी वेब वाला। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बैंक की ऐप है, अब एक बैंक की ऐप के अंदर क्या होता है, एक UI होती है, लॉगिन साइन अप होता है, बैलेंस चेक हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, दो चार फॉर्म्स इस तरह के होते हैं, यही होता है ना उसमें। बैंक की ऐप में तो कोई चार्ट वार्ट दिख रहा है, टेबल दिख रही है, बस यही होता है उसके अंदर, कोई ये थोड़ी उसमें गेमिंग थोड़ी हो रही होती है। तो ये वाली ऐप PWA में आराम से पूरी बन जाती है, शुरू से आखिर तक बन जाती है, कोई मसला नहीं होता। या इस तरह की हम और किसी ऐप की बात करें, जैसे फेसबुक जैसी ऐप है जो, हाँ, ईजी पैसा हो गया, जोंग की ऐप हो गई, टेलीनॉर की ऐप हो गई, जैस कैश और ये सारा जो इस तरह की ऐप्स है ना, ये तो PWA पे बन जाएगा सारा का सारा, इसमें कोई नेटिव कैपेबिलिटी थोड़ी ना है। तो PWA अब जो है ना सर्वाइव करेगा, कि जो लोग वेब एप्लीकेशन सिर्फ बनवा रहे हैं ना, और वो चाहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में ना बनवाऊँ और यही वेब एप्लीकेशन मेरी मोबाइल ऐप के तौर पर चल जाए, तो वो लोग PWA की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। PWA पे गूगल काफ़ी मेहनत कर रहा है, अच्छा गूगल ही है फ्लटर के पीछे भी और इसके पीछे भी PWA के, तो गूगल के लिए विन विन सिचुएशन है कि आप या तो PWA पे मूव करो या फ्लटर पे करो, गूगल के लिए विन विन सिचुएशन है। अच्छा, एक तरफ नेटिव वाले हैं अलग से, जैसे कि iOS, अब iOS वाले जो नेटिव हैं उसमें ये होता है कि यार जो नई चीज़ आती है ना, बिल्कुल जैसे अभी उनका जो Face ID है, अब Face ID की उन्होंने API जो लॉन्च की है, अब वो फ्लटर में आई एम नॉट श्योर कि अभी तक वो आया होगा कि नहीं आया होगा, टाइम लगेगा उसमें आने का। तो जो बिल्कुल स्टेबल फंक्शनैलिटी है ना, वही होगी फ्लटर में, उसके अलावा नहीं होगी। तो जिसको अगर बिल्कुल कोई नया फीचर चाहिए, जदीद फीचर, या बिल्कुल कोई बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो ज़ाहिर है फिर फ्लटर पे भी नहीं जाएगा, वो फिर उसके पास पैसा भी होगा ना फिर उसी हिसाब से, तो वो पैसा अपना बजट देखते हुए बोलेगा यार छोड़ो यार फ्लटर भी कचरा है मेरे लिए। अगर उसको कोई बहुत ही हाई स्पीड हाई परफॉर्मेंस कोई ऐप चाहिए हो, कोई ऐसी GPU एक्सेलरेटेड कोई मंजन पता नहीं करना चाह रहा हो, या जैसे गेमिंग वेमिंग हो, तो वो शायद गेमिंग का या तो कोई फ्रेमवर्क चुनेगा उस पर जाएगा वो, या तो बिल्कुल नेटिव के ऊपर जाएगा वो फ्लटर पे नहीं आएगा, है ना, समझ रहे हो। तो हमारे पास क्या हो गया, तीन फेजेस बन गए। जो बिल्कुल छोटी ऐप है जिसके अंदर सिर्फ फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं, वो PWA पे बन सकती है। जिसमें नेटिव कैपेबिलिटीज़ चाहिए फॉर्म वगैरह के साथ साथ, वो फ्लटर पे बनेगी अब, ठीक है। और जिसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस चाहिए, वो बनेगी नेटिव पे, और वो सबसे हाईली पेड होगी। तो ये फेज बन गए हमारे पास, इसमें रिएक्ट नेटिव बीच में कहीं पे भी नहीं है, सही है। अब जॉब आ रही है, अगर कोई 10 लाख की जॉब दे रहा है तो मैं रिएक्ट नेटिव की, तो वो वक्ती जॉब है, मैं यही बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, वो होगी, आ रही होगी इस वक्त, क्योंकि जब दिया जब बुझता है ना, बुझने से पहले फड़फड़ाता है तो ये वो है जो 10 लाख की जॉब तुम्हें दिख रही है ना रिएक्ट नेटिव की, अभी वो इस वजह से दिख रही है, क्योंकि वो भाई सारे डेवलपर अकलमंद हैं भाई, सारे वो सारे छोड़ गए हैं उसको। और एक तो रिएक्ट नेटिव वैसे ही सर का दर्द है भाई, इतने एरर आते हैं उसके अंदर अजीब अजीब किस्म के, कोई एक चीज़ अपडेट हो गई ना एरर आ जाता है। जैसे क्योंकि दो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ना वो, तो एंड्रॉयड की साइड से कोई चीज़ अपडेट हुई तो मसला कर जाता है वो, iOS की साइड से कोई को मसला कर जाता है, फिर उसके जो प्लगइन्स हैं वो बड़े लिमिटेड हैं प्लगइन्स, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उसमें अवेलेबल है, बड़े लिमिटेड हैं प्लगइन्स, और नए वाले फ़ीचर अब नहीं आ रहे उसके अंदर जो, क्योंकि इकोसिस्टम में एक ना सिर्फ हम होते हैं ना डेवलपर्स, उसके अलावा प्लगइन बनाने वाले डेवलपर्स भी तो होते हैं ना, तो वो सारे उसको छोड़ गए, उनको समझ आ गया यार इधर कोई स्कोप नहीं है। तो और तीसरी होती है कंपनीज जो ऐप बनवाती हैं, उनको भी अकल आ गई कि फ्लटर है। तो बट इकोसिस्टम में जब तीनों ही बंदे ख़त्म होगा तो बचा क्या। वेल यार, हमारे पास यार हमारा टाइम तो हो गया, लेकिन हम एक छोटी सी चीज़ इसमें कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को कंप्लीट करते हैं ना। एक छोटी सी चीज़ ये, वो बैनर बना लेते हैं हम, एक सही एक बैनर बना लेते हैं। अच्छा, बैनर बनाने के लिए ये मेरा app.css वाला काम ना यहाँ हो गया मेरा ना, एक्चुअली app.css वाला जो काम था वो मेरा हो गया। app.css को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और अब मैं चला जाता हूँ कहाँ पे भला, मैं profile.css के ऊपर चला जाता हूँ, और profile.jsx के ऊपर भी चला जाता हूँ मैं, सही, इन दोनों को खोल लेता हूँ। अब मेरे पास profile.jsx जो है ना, इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, इसके ऊपर ज़रा आके ड्राइंग बना लेता हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर मैं आके ड्राइंग बना लेता हूँ। ये मेरे पास हो गया profile.jsx का पेज, एक्चुअली
अच्छा नहीं एक्चुअली यही होगा ना, इसी के नीचे तो बन रहा होगा वो प्रोफाइल भी। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास ना एक अदद ऐसे होगा बैनर, सही है, एक अदद मेरे पास ऐसे बैनर होगा। अच्छा उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए होगी, एक अदद प्रोफाइल पिक्चर चाहिए होगी, उसके ऊपर मुझे इस तरह से ना एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, ठीक है, ऐसे हो जाए या जैसे भी हो जाए। अच्छा और उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए होगा, एक अदद मुझे यहाँ पे ना एक अदद टेक्स्ट चाहिए उसके, कुछ इस तरह से करना चाह रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे उसका नाम लिखवा देता हूँ मैं पिक्चर अभी अभी, मतलब पहले तो सर्कल तो बना देना गोल सा, उसके ऊपर पिक्चर भी लगा देंगे हम। तो हमारे पास ये चाहिए, तो इसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स कितने हैं इसके ऊपर आ चुके हैं, एक कंपोनेंट ये आ चुका है जो ग्रे कलर का एक बॉक्स है, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो अगर मैं ये कर दूं कि इसको फ्लेक्स बॉक्स बना दूं इस चकोर वाले डब्बे को, और इसको कोई बैकग्राउंड कलर में फिलहाल दे दूंगा, बाद में इसमें पिक्चर विक्चर की सेटिंग कर लेंगे, तो और इसके अंदर ये एक आइटम दो आइटम है, इन दोनों आइटम को बोल दूं फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये दोनों लेफ्ट पे अलाइन हो जाएंगे, और थोड़ा सा मार्जिन देके दूर कर दूं दोनों को, तो ये मेरा काम बड़े आसानी से हो जाएगा। इसमें मुझे मजीद कोई और कंटेनर मुझे नहीं चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो इस ग्रे वाले को मैं आगे क्या बोल देता हूँ, ज़रा बैकग्राउंड कलर वाला दे देता हूँ, ठीक है। ये बैनर के बैनर के नाम से मेरे पास क्लास मौजूद है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि यार बीजी आप क्या हो जाओ, बीजी इंडिगो 500 नहीं चलो 200 हो जाओ एटलीस्ट, सही है। तो ये मेरे पास जो है ना ये वो आइटम है। अब इसमें मुझे विर्थ हाइट देनी है इसकी, ठीक है, हाइट इसकी कितनी दे दूँ मैं, हाइट इसकी मुझे REM में दे देता हूँ मैं, सही है। H डैश है कैसे है हाइट, और 400 REM के अंदर है, REM में, हाँ यार बढ़ रहा है सही है। अबे सजेशन नहीं दे रहा एक तो यार, ये क्या बकवास है यार, ब्रैकेट लगा के, अच्छा ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे, अच्छा इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि यार आप आ जाओ भला 100 REM हो जाओ, अच्छा REM लिख देता हूँ यार, ये लो REM लिख दिया मैंने, वाह क्या बात है, सही है, नहीं 100 ज़्यादा हो गया थोड़ा, इसको मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ, अभी भी ज़्यादा है, बट ठीक है इतना आई थिंक है ना, इतना ठीक है। तो मैंने इसको ये वाला दे दिया। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको एक्चुअली मैंने डिक्लेयर करना है कि ये फ्लेक्स बॉक्स है, इसको मैंने डिक्लेयर क्या करना है कि ये फ्लेक्स बॉक्स है। तो इसको मैं किस तरह डिक्लेयर कर दूँ, इसको मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ कि जी फ्लेक्स हो गया ये, ठीक है, फ्लेक्स लिखने से देखते हैं ये फ्लेक्स बॉक्स डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है जी फ्लेक्स बॉक्स डिक्लेयर हो गया ये। अच्छा फ्लेक्स बॉक्स डिक्लेयर होने के बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर जो आइटम है, ठीक है, इसके अंदर जो आइटम है ये इमेज, इसको इमेज नहीं देता हूँ एक्चुअली, मैं क्या दे देता हूँ इसको, मैं फिलहाल एक डिव बना देता हूँ ना, इसको मैं इमेज को रोक देता हूँ, इमेज को रोक के मैं क्या कर देता हूँ, एक अदद इसको मैं डिव बना देता हूँ, और डिव को मैं कोशिश करता हूँ कि क्या कर दूँ, सही है, बीजी मैं इसको दे दूँ भाई डैश मिसाल के तौर पे, जो रेड है ना यही दे देता हूँ, ठीक है, बीजी रेड कर दिया मैंने इसको, और रेड डैश 500, और और क्या कर देता हूँ मैं इसको, सर्कुलर, बॉर्डर लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, और बॉर्डर डैश नहीं, राउंडेड से तो हल्का हल्का गोल करता है ना, मुझे पूरा गोल करना है इसको, अगर यार यहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह का बताया भाई, क्या देखो सर्कुलर में तो ये हल्का सा गोल करता है ना साइड से, राउंडेड में करता है, है? क्या सीन है, मैं एक मिनट यहाँ पे टेलविंड CSS बॉर्डर लिखूंगा ना, तो वो बॉर्डर के डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा, बॉर्डर स्टाइल
बॉर्डर कलर ये सब यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे मैं आके चेक कर लेता हूँ कि वो ना बॉर्डर रेडियस को किस तरह से उन्होंने किया हुआ है। ये रहा बॉर्डर रेडियस आ गया। बॉर्डर रेडियस के अंदर क्या किया है भाई मेरे पास, राउंडेड ई फुल, राउंडेड ई नन। अच्छा राउंडेड फुल करूंगा तो वो इस तरह से हो जाएगा, तो मैंने एक्चुअली ये काम करना है। ठीक है, मैंने कहा कि यार बॉर्डर राउंडेड फुल कर दिया मैंने। आगे देख लेते हैं जी हमारे पास क्या रिपोर्ट है इसकी अभी तक। यार ये क्या सीन है। अच्छा इसकी विर्थ हाइट नहीं है ना कोई, इसकी विर्थ हाइट नहीं है। डब्लू डैश 5 RM। चलो इसने सजेशन दिया ये लगा के देखते हैं। ये आ गया भाई मेरे पास, लेकिन इधर क्यों आ गया बीच में, इसने सजेशन में बहुत कुछ लगा दिया शायद। मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, वॉटम ये दे दिया ना, ये नहीं चाहिए था मुझे। सही है, मार्जिन ऑटो भी नहीं चाहिए था। सही है, मुझे सिर्फ विर्थ हाइट अभी फ़िलहाल मैंने दी है यहाँ पर। ठीक है, विर्थ हाइट देने से ये इधर आ गया। अच्छा मैंने अब इसको क्या करना है, मैंने इसको बॉटम पर लेकर आना है। ठीक है, बॉटम पर लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये एक्चुअली मेरा फ्लैक्स बॉक्स है ना, ये एक्चुअली मेरा क्या है, फ्लैक्स बॉक्स है। अब फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं अगर उसको मुझे अलाइन करना है बॉटम पे, तो मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम बॉटम लिखता हूँ, अलाइन आइटम बॉटम लिखता हूँ ना मैं प्लेन सीएसएस में। तो यहाँ पे भी हाँ, यहाँ पे आइटम्स है, आइटम्स एंड आइटम सेंटर, आइटम बॉटम चाहिए मुझे, आइटम्स नहीं, फ्लैक्स एंड तो उधर उधर हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आगे ना, इधर अरे यार कहाँ चला गया, जल्दी से ढूंढते हैं हम इसको, कंप्लीट करके फिर निकलते हैं। कलर स्पेसिंग प्री फ्लाइट लेआउट, यार इसमें अलाइन वाले का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आइटम एंड नहीं, इधर तो सजेशन आई नहीं थी ना, आइटम एंड लिखूंगा मैं। आइटम एंड के नाम से मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कोई चीज़ है, नहीं हुआ ना। आइटम्स आइटम एंड आइटम लिखा मैंने, कुछ भी नहीं आ रहा भाई। नहीं ना ये तो आइटम है ना मेरा, इस पर भी मुझे बोलना पड़ेगा फ्लैक्स, अलाइन आइटम है ये एक्चुअली। जो क्लास नेम इसके अंदर मैंने लिखा है ये तो देखो, देखो इसका जो पेरेंट है ये ओ यस हाँ, ये तो पेरेंट ही ऊपर होता है ना, जब ही तो नहीं दे रहा वो आइटम एंड। हाँ यार हाँ सही है यार, अलाइन आइटम तो मैं पेरेंट को बोलता हूँ, मैं चाइल्ड भी क्यों बोल रहा हूँ। आगे इस पर होगा अलाइन सेल्फ, इस पर तो सेल्फ होगा ना, सेल्फ पे भी बहरहाल ये कोई सजेशन नहीं दे रहा, लेकिन ठीक है मेरा मसला यहाँ पे हल हो गया। अच्छा अब मुझे इसको चाहिए मार्जिन देना है, मार्जिन बॉटम और मार्जिन एक्चुअली चारों साइड पे ही देना है मार्जिन मुझे इसको। तो मैं इस पर लिख दूंगा कि यार M3, ठीक है नहीं 3 ज़रा कम है, M5 कर देता हूँ मैं। ठीक है मार्जिन आ गया। अच्छा ये साइज़ इसका ज़रा छोटा है सर्कल का, मुझे शायद साइज़ इसका थोड़ा सा और बड़ा चाहिए होगा ना। तो ये जो 5 RM है ना इसको मैं कर देता हूँ कि यार 8 कर देता हूँ। सही है 8 कर दिया मैंने। अच्छा अब ज़रा इसको मैं अगर आके देखूँ ना, तो मेरा ये इमेज जहाँ पे मुझे चाहिए थी वो बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अब मुझे इस टेक्स्ट को जो है ना थोड़ा सा ऊपर करना है और इसको साइज़ बड़ा करना है टेक्स्ट का। तो इसके जो नए वाले डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके ना ये फॉन्ट जहाँ पर है ना टाइपोग्राफी, एक तो इसमें यार नए वाले में ना चीज़ को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ ये टाइपोग्राफी आ गया, फॉन्ट साइज़, ठीक है फॉन्ट साइज़ आ गया। और मैंने कहा कि यार टेक्स्ट LG, टेक्स्ट LG क्या करेगा, ये वाला कर देगा, लेकिन मुझे तो 2 RM चाहिए ना, H1 वाला साइज़ चाहिए, 4XL होगा ये, ठीक है 4XL करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहा कि टेक्स्ट डैश 4XL। तो यहाँ पे आके मैं जब भी बोलूँगा ना इसको कि
टेक्स्ट डैश फोर एक्सेल, तो आप देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है, ये टेक्स्ट डैश फोर एक्सेल हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, इसको नीचे से ज़रा शायद थोड़ा सा मज़ीद ऊपर लाना है, जितना मैंने इमेज को ऊपर लेकर आया हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर लाना है। इमेज को मैं कितना ऊपर लाया हूँ भाई, M5 लाया हूँ मैं ना, तो मैं इसको बोलूँगा कि यार मार्जिन पहले तो सिर्फ बॉटम MB डैश और 5 की जगह 10, तो ये मेरा जो है ना काफ़ी हद तक सेट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं स्क्रीन को छोटा करूँ बड़ा करूँ, ये अपनी जगह पे रहेगा। अगर बहुत छोटा होगा, अच्छा ये बहुत छोटे पे क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो मैं इस पे के ऊपर क्या लगा देता हूँ कि जब ये छोटा हो तो इसके नीचे आ जाए, रैप हो जाए, है ना, रैप करना सही रहेगा। अच्छा रैप किस पे बोलता हूँ मैं, ये भी पेरेंट पे बोलता हूँ, इस पे मैं बोलता हूँ यार रैप फ्लैक्स रैप, सही है, तो ये रैप हो गया। ठीक है, तो आपने ये नोट किया कि यार जो सारे काम हम क्या करते थे, जो सारे काम हम प्लेन फ्लैक्स बॉक्स में करते हैं, प्लेन CSS में करते हैं, टेलविंड में सारे वही काम होते हैं, लेकिन जस्ट वो हम इनलाइन कर रहे होते हैं, जस्ट हम उसको क्लासेस का नाम लिख लिख के कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें अलग से CSS की फ़ाइल में बैक एंड फोर्थ आना जाना नहीं पड़ता, और ज़रा सा वो जो ये कह रहा था ना कि CSS की फ़ाइल में एक जैसे स्टाइल हो गया तो डेवलपमेंट के दौरान वो कॉन्फ्लिक्ट मार जाता है, तो ज़रा उस तरह के मसले वगैरह भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए हमारे किसी हद तक। ठीक है, तो यार आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर जो है ना मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में शायद थोड़ी सी इस पर स्टाइलिंग और कर लें मे बी, और फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या करेंगे, हम टेलविंड को थोड़ा थोड़ा साथ साथ लगाते रहेंगे, जब हम अपना कंपोनेंट लिखेंगे ना तो साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा टेलविंड भी इसके ऊपर लगाते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने इस कोर्स इस पूरी क्लास में मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं, नंबर एक तो ये बताया कि जी CSS हम जो लगाएंगे वो प्लेन CSS के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं टेलविंड को, लेकिन अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि टेलविंड इज़ नथिंग बट जस्ट अ क्लास ऑफ प्लेन CSS, जो पहले से लिखी हुई प्लेन CSS की क्लासेस हैं। तो अगर मैं टेलविंड इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे अलग से शायद उसमें प्लेन CSS को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन CSS ही है वो एक्चुअली। ठीक है, तो मैं दोनों को मिला के यूज़ करना चाहता हूँ, मिला के यूज़ कर लूँ, लेकिन सिर्फ टेलविंड से मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं एक प्लेन CSS से करता हूँ। ठीक है जी, चलें भाई।